आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका वोटर कार्ड लॉस्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप उसे दोबारा रिप्रिंट कैसे करेंगे अपने मोबाइल से। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ सर्च बार में सर्च करना है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड लिख कर जैसे सर्च करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हम इंस्टॉल करके रखे हैं इसीलिए हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली टिक करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ स्किप लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप अपना वोटर कार्ड को रिप्रिंट कराने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म्स पर। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना विधानसभा सेलेक्ट करना है कि कौन विधानसभा से आपका जो वोटिंग होता है वो आपका कौन विधानसभा क्षेत्र से होता है, तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर अपना नाम पूछ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नाम डालना है। लास्ट नाम डालने के बाद आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपका पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईपिक नंबर मांग रहा है। ईपिक नंबर मतलब आपका जो वोटर कार्ड का नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास वोटर कार्ड का नंबर भी नहीं है तो आप ऑनलाइन से वोटर कार्ड का लिस्ट निकाल के वहाँ से आप वोटर कार्ड का नंबर दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना वोटर कार्ड का नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इंडियन सिटीजन है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस पूछ रहा है वेरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट रहेगा जो आप अभी सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर डाल देना है। जो भी आपका वोटर कार्ड में हाउस नंबर दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना हाउस नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट एरिया लोकेलिटी आपको कोई भी आपको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो रीजनल भाषा में आपका आ जाएगा, मतलब हिंदी भाषा में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना विलेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक विलेज का नाम हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पुलिस स्टेशन डालना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पुलिस स्टेशन का नाम हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे पर आपको पिन कोड अपना डालना है। सभी एड्रेस भरने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर आपका फैमिली का डिटेल्स मांग रहा है, तो चलिए हम यहाँ फादर्स का नेम भर देते हैं। यहाँ पर फादर्स का फर्स्ट नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लास्ट नेम हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रीजन देना है कि आप किस रीजन से दोबारा मंगवाना चाहते हैं आपका वोटर कार्ड को। अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है तो आपको लॉस्ट लिख देना है। आपका जो भी रीजन है उस रीजन को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए हम लॉस्ट यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है कि आपको कलेक्शन करना है, मतलब किसके द्वारा आपको प्राप्त करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप CSC VLE के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं अपने वोटर कार्ड को। और यहाँ पर दिया हुआ BLO के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा उस ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर BLO के माध्यम से प्राप्त करेंगे, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ टिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस आपका डालना है। तो चलिए हम प्लेस अपना भर देते हैं। उसके बाद आप जिस डेट में अप्लाई करेंगे आपका यहाँ डेट शो होने लगेगा। उसके बाद आप सभी भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जितने भी डिटेल्स भरे हैं सभी आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। आपको लगता है कि कोई भी गलती है तो आप यहाँ सिंपली कट पर क्लिक करके दोबारा से आप भर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार बढ़िया से चेक कर लेते हैं कि सही भरे हैं कि गलत भरे हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको सिंपली यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ थैंक यू का मैसेज आ चुका है। तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल चुका है। आपको अगर भविष्य में ट्रैक करना है तो आपको इस रेफरेंस नंबर को रख लेना है बढ़िया से, और आपको भविष्य में इसको ट्रैक करने के लिए काफ़ी काम आएगा। तो चलिए हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां से बीएलओ का आपका बीएलओ का एड्रेस पता कर सकते हैं। यहां डाउनलोड पर क्लिक करके अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर क्लिक करके आप अपने बीएलओ का पता देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करेंगे। बीएलओ का डिटेल शो होने लगा है। यहाँ देखिए उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है बीएलओ का। आपका जो भी लोकल में बीएलओ है सभी का यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। वो लोग से आप बात भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ये अलाउ मांगेगा तो अलाउ यहाँ पर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर रिसिप्ट सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इसको व्यू करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मेरा रिसिप्ट हुआ, ये रेफरेंस नंबर हुआ। और अभी जो आप वोटर कार्ड को रिप्रिंट के लिए अप्लाई किए हैं उसको ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस नंबर आपका मांग रहा था। यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है। जो आपको रेफरेंस नंबर अभी मिला है उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर को डाल के आपको चेक करके दिखा देते हैं। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको सिंपली ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सभी शो होने लगेगा। और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।